Hey beautiful people, I am back. It's going to be my next video. अगर आप मेरे साथ चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग सेल्स, बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे आपको कूट कूट के मिलता रहेगा। ये प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्त, आज का हमारा जो डिस्कशन है, नाउ लेट मी टेल यू, आप तो थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, आज का हमारा जो डिस्कशन है, आई विल डिस्कस अबाउट 10 वेज हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, वो भी कंफर्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, दैट टू इन इंडिया, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड इंश्योर कीजिए कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यू नो धीरे धीरे यू नो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर इन डेप्थ टेक्निक्स, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी करो, एंड यू हैव टू सेट अप योर लाइफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है टू मेक मनी ऑनलाइन इज कंटेंट डेवलपमेंट, नॉट कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट। नाउ लेट मी टेल यू, यू नो अभी क्या हो रहा है ना, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे बिजनेस है जो कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है जो कि मैनुअली अपना बिजनेस चला रहे थे, उनको एक वेबसाइट थी, वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आता है भाई, उनको चाहिए लॉट ऑफ कंटेंट राइटिंग एक्टिविटी। तो कंपनीज क्या करते हैं, डिस्पाइट हायरिंग फुल टाइम कंटेंट राइटर्स, वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, जैसे freelancer.com, guru.com, upwork.com हो गया, फिर आपके पास है साइट्स जैसे कि फेसबुक पे आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कंटेंट राइटिंग, काफ़ी सारे ग्रुप्स है डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी सारे ग्रुप्स है, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, या तो ट्विटर, लिंक्डइन पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, कंटेंट राइटिंग रिक्वायरमेंट्स कीवर्ड सर्च कीजिए विथ डबल कोट्स, तो आपको काफ़ी सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे जहाँ पे कंटेंट राइटिंग रिक्वायरमेंट का डिस्कशन हो रहा है। वहाँ पे जाइए, एंगेज कीजिए जो भी पब्लिश किया वो थ्रेड, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, अपना जो भी सैम्पल्स है वो शेयर कीजिए, और कंटेंट राइटिंग का वर्क आप ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 25 पैसे से 50 पैसे चार्ज कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर हो तो आप अपटू 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपीज, डिपेंड करता है आप कितने क्वालिटी राइटर हो, ठीक है। ये तो हो गया राइटिंग के बाद, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, वाइट पेपर, केस स्टडीज, इन्फोग्राफिक्स के दे हैव लॉट ऑफ बजट, ठीक है। 2 to 3,000 rupees का एक वाइट पेपर, नहीं भी तो आप 15 to 20,000 rupees में आप सेल कर सकते हो, ठीक है, अगर प्रोवाइडेड आपके पास राइटिंग स्किल प्लस रिसर्च का स्किल हो, ठीक है, और इंडस्ट्री का नॉलेज हो, ठीक है। तो यू नो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट राइटिंग, काफ़ी सारे कंपनी को इन्फोग्राफिक्स चाहिए, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स का काम लो, ग्राफिक डिजाइनर का टीम बनाओ, ठीक है, टीम बनाने की जरूरत नहीं, फोन पे कॉन्टैक्ट करो, फ्रीलांसर्स काफ़ी सारे मार्केट पे, ठीक है, वहाँ से काम लाओ, उनको काम आउटसोर्स करते हो, क्योंकि कंटेंट डेवलपमेंट का सबसे पहला पॉइंट, यू कैन मेक मनी बाई फ्रॉम होम। तो दूसरा हो गया दोस्त ड्रॉप शिपिंग। देखो हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, सब कुछ हम करते हैं, लाइम रोड हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये सारे बिग प्लेयर्स हो गए, जिस तरह से इंटरनेट इंडिया के अंदर पेनेट्रेट करता है, एनीबडी कैन स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग क्या मॉडल है आप समझ लो, फिर ड्रॉप शिपिंग क्या है, आपको प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना, आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, या तो आप वर्डप्रेस पे जाकर के वू कॉमर्स से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दो, या तो काफ़ी सारे ऐसे भी वेंडर्स हैं जो कि ऑन लाइसेंस बेसिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे। लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा सेल करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आपको क्या करना है, बस होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप करना है, उनके प्रोडक्ट को अपने पोर्टल पे मार्केट करना है, डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा करना रहेगा आपको, थोड़ा एडवर्ड चलाना है क्या, और बैक टू बैक कस्टमर से ऑर्डर लेना है, और बैक टू बैक ऑर्डर प्लेस करना है मैन्युफैक्चरिंग के पास, ठीक है। आपको सप्लाई चेन या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का भी कोई टेंशन नहीं लेना है, बट इंश्योर कीजिए कि आप जिसके पास भी टाई अप कर रहे हो उनके पास अच्छा मैकेनिज्म हो शिपिंग करने के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 100 rupees का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के से आप 100 rupees का नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आगे आप 120 में सेल कर सकते हो, 20% आपका हो गया इस पर कमीशन, ठीक है, जिससे नॉर्मल बिजनेस वे। तो इसका एक बेनिफिट है, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का कोई टेंशन नहीं, लेकिन इंश्योर करो कि आप जिसके साथ भी टाई अप कर रहे हो, अगर वो मैन्युफैक्चरर है या तो होलसेलर डीलर है, तो उनका जो मैकेनिज्म है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का, ये आप मतलब दैट शुड बी वेरी वेरी गुड, ताकि एट द एंड ऑफ द डे यू नो कस्टमर शुड बी हैप्पी कि चलो इस ऑर्डर किया इनके पोर्टल पे, मेरे को ठीक ठाक प्रोडक्ट ठीक रेट पे ठीक टाइम पे मिल गया। तो ये हो गया दोस्त ड्रॉप शिपिंग का।
थर्ड इम्पॉर्टेंट वे है जिससे आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, वो भाई ऑनलाइन ट्यूटरिंग। भाई 4-5 साल से हम कर रहे हैं, ठीक है, और इट्स गिविंग मी वेरी गुड इनकम, ठीक है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग लेट से फॉर एग्जांपल आप भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पे अच्छे हो, या तो कोई यार कोई साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छे हो, या तो पता नहीं आप कोई ऐसे इसका अगर गिटार बजाना आता है आपको अच्छा, ठीक है, कुछ भी अगर आप पे स्किल है, आपको लगता है कि 1% भी उस स्किल से अगर आप पैसा बना सकते हो तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग इज़ फॉर यू। कुछ ऐसे साइट्स हैं यू नो, जैसे कि हो गया सिंपली लर्न जैसे साइट्स हो गए हैं, अपवर्क जैसे साइट हो गए आपके, vedantu.com जैसे साइट हो गए, unacademy.com, टीचर ऑन, ठीक है, अर्बन प्रो, तो ये काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूटर्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इट्स एन एग्रीगेटर फॉर ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ठीक है। तो लिंक पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप कैसे जा करके साइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो थर्ड वे हो गया ऑनलाइन ट्यूटरिंग का। फोर्थ हो गया सेल ई बुक। भाई लेट मी टेल यू, ई बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव वेज हाउ यू कैन मेक मनी, ठीक है। ई बुक क्या है यार, 15-16 पेज के कंटेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर आप पे कोई स्किल है, ठीक है, तो आप उसको एक ई बुक पे कन्वर्ट करके यू नो अमेजोन पे आप उसको सेल आउट कर सकते हो। जेवीजू एक साइट है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, बहुत सारे एफिलिएट साइट है वहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर आप 10-15 ई बुक अगर आप डेवलप कर रहे हो इन्होंने स्पैन ऑफ 1-2 महीना के अंदर बैठ के खुद करो, नॉलेज लो, खुद लिखो, या तो नॉलेज ट्रांसफर करके कंटेंट राइटर से लिखा, उसको अच्छे से शेपिंग में लाओ, 14-15 पेज का हो, ठीक है। अगर 10-15 ई बुक है उसमें से कुछ नहीं भी, तो यार 2-3 ई बुक तो आपके चल जाएंगे, ठीक है। तो ई बुक इज़ वन ऑफ द ग्रेट वेज हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन बाय सिटिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, दैट टू विदाउट इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ तरीका हो गया भाई यूट्यूब वीडियोस। भाई अभी जो आप देख रहे हो एक यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू नो आप यूट्यूब वीडियो से खाली एडसेंस से पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब वीडियो पे आप आज में जाकर के अगर आपके आपका कॉन्टेंट अच्छा है, अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप डेफिनेटली यू नो आप मॉस्किटो रिपेलेंट बेचो या तो गैजेट्स बेचो, वो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स पे तो या तो अफिलिएट बन के किसी थर्ड पार्टी वेंडर का प्रमोट करो प्रोडक्ट्स, ठीक है। दैट इज एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू नो यू आर क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड, ठीक है। अगर आप खुद का ब्रांड बना रहे हो, आपके पास कोई स्किल है, तो ऑफलाइन वे में भी काफ़ी सारे आपके पास रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिफ्थ हो गया यूट्यूब, सिक्स हो गया सेलिंग फोटोज। भाई अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई यू आर अ वेरी गुड फोटोग्राफर, आपके फोटोज पे काफ़ी सारे लाइक्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, भाई सही जगह पे अभी पोस्ट करने का टाइम आ गया, ठीक है। लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसपे मैंने सारे वेबसाइट्स के डिटेल्स दिए गए हैं, जिसपे आप जाकर के ऑनलाइन अपने फोटोज अपलोड कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। क्या होगा, आप एक बार फोटो, इट्स वन टाइम एक्टिविटी, एक फोटो लिया अपलोड किया, दुनिया में अगर साल भर में यू नो कहीं पे भी लोग वो फोटो देख करके अगर डाउनलोड कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा उसका कमीशन या तो रॉयल्टी। इट्स अ वेरी इजी वे, ठीक है। सो सिक्स्थ हो गया सेल फोटो। सेवन आ गया ऑनलाइन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। भाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके भाई कितने लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। सबको क्या करना, ऑनलाइन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। आपको क्या करना रहेगा दोस्त, आपको ऑनलाइन एनिमल बनना है, ठीक है। फेसबुक के काफ़ी सारे ग्रुप है, वहाँ पे एंगेज रहिए, ठीक है। फेसबुक के ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स है जहाँ पे आप जा करके यू नो एंगेज कर सकते हैं, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ट्विटर पे जाके एंगेज हो सकते हो, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, काफ़ी सारे मीटअप्स पे भी जाता हूँ, ऑफलाइन मीटअप्स पे भी जाता हूँ, ठीक है। अपना कार्ड शेयर करता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है, ठीक है, कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, ठीक है। उन सबका डिटेल्स लेता हूँ, प्लस उसी मीटअप पे मेरे को ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं जिनके पास छोटी कंपनी, उनको वेबसाइट चाहिए, तो उसी पे वहाँ से काम लाओ और आगे काम लो और अपना कमीशन बनाओ, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड वे। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे आपको काफ़ी सारा काम मिल सकता है, आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो। कुछ नहीं करना है दोस्त, रिक्वायरमेंट मार्केट उठाना है, जिसे काम करना है उसे आगे बढ़ाना है, एक टीम यहां बनाना है, एक टीम यहां बनाना है, घर पे बस लैपटॉप के ऊपर आपको बैठ के यहां से काम उठा के आगे आउटसोर्स करना रहेगा, ठीक है। तो सेवेंथ हो गया ऑनलाइन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। एट्थ हो गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज नॉट ए गोल्ड माइन, लेकिन अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। ये आई बटन पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसपे कि अगर आप एक बिगिनर हो और ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मिस्टेक्स जो आपके ध्यान में रखना है यार, वो सारा आपको ये आई बटन पे मिल जाएगा। देखो ब्लॉगिंग इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम गूगल एड, ठीक है। ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप अपना खुद का पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हो, खुद का ब्रांडिंग कर रहे हो, अपना ब्लॉगिंग दिखा करके यू नो यू कैन गेट अ गुड जॉब। अगर अपना ब्लॉगिंग दिखा करके यू कैन गेट लॉट ऑफ कंटेंट राइटिंग एक्टिविटीज, प्लस अपने ब्लॉग्स के अंदर आप अगर ट्रैफिक ला पा रहे हो तो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो, एफिलिएट लिंक लगा करके अमेजॉन
फ्लिपकार्ट के एफिलिएट, एज एफिलिएट आप वो उनके लिंक को प्रमोट कर सकते हो और वहाँ से भी कमीशन बना सकते हो. तो ब्लॉग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन. तो नाइन्थ हो गया ऑनलाइन कंसल्टेंसी. देखो यार, यू नो द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड नाउ. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आई मेट समबडी, एक मैकेनिकल का बंदा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा था, उसके पास ऑटो कैड कैटिया का काफ़ी सारा स्किल है. ठीक है, वो सोच रहा था कैसे क्या करे. तो यू नो बैंगलोर, यू नो पुणे और अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज है, डिजाइनिंग कंपनीज है जिनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए. ठीक है, व्हाट ही कैन डू इज ही कैन जस्ट कंसल्ट देम ऑन फोन. काफ़ी सारे ऐसे लॉयर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे फिनांस फील्ड पे रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, काफ़ी सारे इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेटर्स हैं जो कि यार फ़ोन पे कंसल्टेंसी देते हैं और आवरली चार्ज करते हैं. ठीक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज. लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई आपके पास कौन सा स्किल है. ठीक है, आपके बायर कौन है. ठीक है, और ऑनलाइन उनसे आप जुड़ सकते हो और ऑनलाइन कंसल्टिंग दे सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल कैंपेन के लिए मैं काफी सारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ. ठीक, घर पे बैठे बैठे. ठीक है, स्काइप पे, फोन पे. ठीक है, एंड आई चार्ज आवरली. ठीक है, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट यू कैन डू थ्रू ऑनलाइन कंसल्ट. लेकिन एक चीज अगेन मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपके पास माइंड सेट होना चाहिए बस. ठीक है, लास्ट हो गया पॉडकास्टिंग. टेंथ पॉइंट है दोस्त पॉडकास्टिंग. पॉडकास्टिंग क्या है? इट्स वेरी सिमिलर टू ब्लॉगिंग. ठीक है, ब्लॉगिंग क्या हो गया? टेक्स्ट के लिए, यूट्यूब हो गया वीडियो के लिए, पॉडकास्ट हो गया ऑडियो कंटेंट के लिए. ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऑडियो कंटेंट एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, पॉडकास्ट के काफ़ी सारे ऐप्स हैं, पॉडकास्ट के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. ठीक है, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक बहुत अच्छा वॉइस है, प्लस आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है जो कि आगे जा करके लोगों को हेल्प कर सकता है, ठीक है, देन पॉडकास्टिंग इज़ फॉर यू. और सबसे गुड न्यूज़ इज़ दैट यू नो अभी इंडिया में पॉडकास्टिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ढंग से. ठीक है, तो इंडियन मार्केट को टैप करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है. आगे जा करके ब्लॉगिंग की तरह काम करेगा, स्पॉन्सर्ड एड से आप पैसा कमा सकते हो, खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, प्लस खुद का एक सुपर सॉलिड ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. सो दोस्तों, ये जो 10 वेज मैंने बताया टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, एंड आई बिलीव दैट यू नो मैं जानता हूँ कि ये 10 स्किल से एटलीस्ट 2 या 3 स्किल तो आपके पास है ही है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 आप यूज़ करो. ठीक है, आप देखिए कि 10 के अंदर आप किस में अच्छे हो, आपका स्ट्रेंथ किस पे है, आप किस पे स्किल डेवलप करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दैट टू विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ठोको, कुछ भी करो लाइक हो जाना चाहिए. ठीक है, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँ. मेरा जो भी एक्सपीरियंस है 10 साल का, मेरा मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स पे जो भी एक्सपीरियंस है, सारा जूस मैं इस यूट्यूब चैनल पे देना चाहता हूँ. देन प्लीज़ कमेंट कीजिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. आई वुड लव टू हियर कमेंट्स. सब्सक्राइब इफ यू आर अ न्यू विजिटर, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए. सो दिस इज आलोक कुमार साइनिंग आउट फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. बाय. थैंक्स अ लॉट.